फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा भाई साज फैमिली में। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि जब भी वीडियो नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। एंड आज मैं रेडी हूँ क्योंकि आज है दशा माता का व्रत और अभी टाइम 10 बज रहे हैं और मैं रेडी हूँ। बस सुशीला नहाकर आ जाए, उसके बाद हम लोग दशा माता की कहानी सुनेंगे, पूजा करेंगे और पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे क्या हम लोग पूजा वगैरह करते हैं। एंड मिंटू भाई साहब वगैरह भी आए हुए हैं तो बहुत सारी मस्ती होने वाली। थैंक यू बहना, ये देखो मेरा पैर बेचारा कितना गंदा हो गया यार एक्सीडेंट के बाद। यहाँ से लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, पूरे पैर की बैंड बज गई। तेरी नेल पेंट देख सही में बहुत वाहियात हो रही है। क्या करे, टाइम नहीं मिलता। अरे पूनम, ये डायलॉग मारा ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। संडे को भी बैंक जा रहे हैं, कहाँ टाइम मिलता है बताओ, कहाँ टाइम है। ये इतनी रेडी है बस, ये आलसी लड़की है, बैंक जाएगी ना इसलिए। तो पूनम ऐसे रेडी है और मैं ऐसे रेडी हूँ। मम्मी वगैरह सब बिजी हैं, परी के पापा भी आए हैं उज्जैन से, किसी काम से गए थे तो वो लोग आए। मैं बनाऊंगी थोड़ी बहुत रील्स वगैरह, शीला आ रही है जब तक हम लोग कर लेते हैं पूजा की तैयारी। और मैडम ये नीचे सुनी जाएगी क्योंकि ना वो चौका बनेगा ना, चौको बन सी ना, हाँ, तो चिकड़ी मारती आ दी गोलू बन। हाँ बर्तन धो ले पूजा का सारा और तू कर तैयारी ने, बस डाल जो भी सामान चाहिए फटाफट। और मैं मिट्टी से वो चौका बनाती हूँ, तो मैं चौका वगैरह बनाती हूँ, मिट्टी आ गई थी चिकड़ी। हाँ काजल है इनको, ये है मिट्टी जो कि योगेश लिख रहा है ना। मिंटू भाई सब पीछे रेडी हो रहे हैं, बस ये तो बहुत है, ये तो बहुत ले लियो रे, बहुत ज्यादा ले लियो बेटी जो है तू और मुंह में सब फट गए। हां मम्मी सब क्यों यार, मुंह में सब फट गए काली को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। तो पानी ये दो दो करे कौन थे लो सब लगा लो Thank you.
कल से लगा था सुबह खुद बाकी लगा मिले अमन के ओटीडी पड़ी हो रिप्लेस होना भी बाद ही कोटली मिले और आपको दे मांग भर बड़ो को रखे को और हमें संग भाई के टिको को निकल आया है अभी बगैर खिर जावे ना आज जो बोल लगे चंदन में डाल लिया करो बेटा बचपन में पूरे दिन ही कौन गिर अब काय काम पैसा अब काय वाकर रखो आपने तो खानो खान जो पाई खाने सुन लिए हमने अब हम छत पे आए अर्घ देने के लिए तो फिर कहते हैं सोनू सोनू परी जो भी है वीडियो बना दो यार अरे हम मत भी गाओ रे खेल रहे हैं बच्चे कौन है जो हमारा वीडियो बनाएगा कपड़े सूख रहे हैं पीछे हमारे परी परा थोड़ा वीडियो बना दे यार गिल्ला है यहाँ तो परी वीडियो बना दे थोड़ा सा आ जा ये डोरा भी लिया हमने इससे डोरा लिया जाता है ऊपर रख देना Thank you.
खुश रहो खुश रहो। सुन ली मैंने और राखड़ी शीश फूल भी उतार दिए मैंने, क्योंकि यार गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा। और एक या दो रील बनाई होगी मैंने, क्योंकि वो कोलैबोरेशन का कोई काम था तो उसके लिए फिर मेरे को रील बनाना जरूरी था, तो इसलिए मैंने दो रील बनाई है। तो आप लोग देख लेना इंस्टाग्राम पे जाके। और अब हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय, क्योंकि आज मेरा फास्ट है इसलिए मैं चाय पी रही हूँ। वैसे तो पीती नहीं हूँ मैं, लेकिन फास्ट है तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं, तो इसलिए चाय पियेंगे। और नोज रिंग वगैरह उतारूंगी मैं, ये भी खोलूंगी, गर्मी लग रही है, ड्रेस भी चेंज करूंगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है यार इसमें तो। और मैंने पूजा वगैरह कर ली, आपने वीडियो में देखा ही होगा। और आज के दिन क्या क्या करते हैं, वैसे हमारा मूवी का भी प्लान है, क्योंकि मिंटू भाई से आए हुए हैं तो मैंने सोचा कि वो आर कौन सी मूवी लगी हुई है वो भी देख के आएंगे। और ये हाँ जी हाँ खाना खाना है ना, सुशील आंटी बना रही है, जाओ ले आओ और खा लो। हाँ मैं ला दूंगी, आ जाओ इधर बैठो मेरे पास आओ। तो अर्श भैया को खाना है, खाना अर्श भैया के खाना लेके आते हैं, बैठो यहाँ पे बैठो, मैं लाती हूँ मेरे लाडो के लिए। रोज स्विमिंग पूल में नहा के आता है ये, रोज बाल कैसे हो रहे मेरे। मम्मा हाँ जी रोज नहाते हो आप स्विमिंग पूल में, काले हो जाओगे फिर धूप में, काले हो जाओगे धूप में, फिर सब बोलेंगे ये छोटा भूत कहाँ से आया है, छोटा भूत कहाँ से आया है, सब ऐसे बोल देंगे फिर आपको। हाँ स्विमिंग पूल में नहाते हो आप, क्यों नहाते हो आप स्विमिंग पूल में, गंदा बेबी बनोगे क्या। आई लव यू अर्श भैया, हाँ छोटी बना दो आपकी, लाओ छोटी बनाते हैं अच्छी इतनी जोर से जलती है। और अभी चलते हैं किचन में और खाना वाना डालते हैं सबको, बच्चों को सबको खाना डालेंगे, खाना बन गया है तो खाना मैं परोस देती हूँ। और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे तेज, क्योंकि प्याज काटे थे मिंटू ऐसा नहीं, तो मैं उनके पास बैठी थी लेकिन मैं फिर भाग के आ गई थी, जैसे उन्हें प्याज काटना स्टार्ट किया मैं आ गई थी, लेकिन फिर भी मेरी आंखें इतनी तेज जल रही है, ऐसे प्याज का थोड़ा सा भी रस चला जाता है ना फिर बस मेरी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। अभी मैं डालती हूँ, अभी नंदोई से जाएंगे और बस अभी नंदोई से जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है चेंज करेंगे, सूट वूट पहन लोगे नंदोई से जाने के बाद, तो उनके सामने नहीं पहनते सूट वूट, तो वो अभी चले जाएंगे खाना वाना खा के, उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी। मैंने सोचा अभी बार बार कौन चेंज करेगा, अरे यार क्या करो तुम लोग, अभी खाना डालते हैं फटाफट। ठीक 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 डाल खाना डालती हूँ मैं सबको पहले, ठीक ऊपर छुट्टी शीशी दी लीजिए लंबी आटे की दही, अरे ये लंबड़ लेंगे ये बीच में स्थिति की, बाकी तो टिक्की लगा मैंने ये तिल काट बड़े से मत कम, बाकी तो टिक्की है वा सोको, बाकी तो वा मर का कर दाग से कर बाकी कटे हां कड़ी जा बिन जगह का बाकी तिल तो छोटा छोटा फूटा हां तिल की तारीफ टिको गाड़ा टिको तिल गाड़ा में सोको लगा दे छेद को सोको गाड़े ठीक है नंदोई सबको में भी चले गए हैं, फौज में है वो, आर्मी में है, पहले थे रिटायर हो गए, उसके बाद दोबारा उनकी जॉब लगी तो दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया है, अभी 6 महीने हुए उन्हें शायद दोबारा ज्वाइन किए हुए। और अब हम लोग खाएंगे खाना, टाइम वैसे तो एक ही बजे, लेकिन क्या है ना कि टाइम से खाना खा लो तो फिर एसिडिटी वगैरह नहीं होती, अगर मैं शाम को खाना खाती हूँ ना व्रत करके तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा टाइम से खाना खा लेती हूँ, मतलब जिस टाइम हम खाना खाते हैं तो उसी टाइम मैं खाना खा लेती हूँ। अभी मिंटू भाई से आ जाए उसके बाद हम लोग दोनों खाना खाएंगे, उनके साथ ही खा लूँगी मैं भी खाना, तब तक मैं खाना वाना डाल लेती हूँ अपने लिए, उसके बाद मैं चेंज करूँगी खाना खा के फिर सोएंगे। रात को हम 2:30 बजे तक पंचायती कर रहे थे, 2:30 बजे तक मिक्स हो रहे, 2:30 बजे तक बातें कर रहे थे सब, तो अभी मैं खाना डाल लेती हूँ, तो भी खा लेती हूँ। अभी शाम हो गई है, हम लोग सो के उठ गए,
क्योंकि हम लोग रात को बहुत लेट सोए थे, ढाई तीन बज गई थी हमें सोते सोते, तो इसलिए हम लोग फिर दोपहर में सो गए थे क्योंकि आंखें जलने लगी थी सबकी। हम लोग दोपहर में सो गए और अभी उठे हैं, मतलब 4 बजे उठ गए थे, 2 बजे से सोए थे, 4 बजे वापस उठ गए, अभी 6 बज रही है और मैं मिंटू भाई साहब हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि बच्चों के लिए कोई सामान लेना है इनको, तो बोले कि चलो भाभी से दिला के ले आओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मूवी जाने वाले थे बट हाउसफुल है जहाँ हम जाने वाले थे, तो फिर हमने सोचा कि ट्यूसडे तक चले जाएंगे। और अभी मैं मिंटू भाई साहब हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बस उनको थोड़ा बहुत सामान लाना है, मुझे तो कुछ लेना नहीं है खास, तो चलिए चलते हैं, वो लोग आ जाए बस उसके बाद जाएंगे विद्याधर नगर जाएंगे क्योंकि जो भी सामान लेना है उनको वो सब विद्याधर नगर में मिलेगा, तो अभी हम जाएंगे। मम्मी हटो यहाँ से, बदला कुछ भी थे, मैं सोई नहीं, फिर मैं फोन देखने लगी आधा घंटा, और ये हमारे ठंडी पूड़ियाँ रखी हुई है वो शीतलाष्टमी की बच गई थी, थोड़ी बहुत पूड़ियाँ तो रखी हुई है, एंड सब लोग अभी जाके सोए, तो मैं किचन में आके किचन का गेट बंद करके फिर वीडियो को एंड कर रही हूँ। सब लोग सो चुके हैं एक्चुअली, हम लोगों को बात करते 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 मतलब 1:30-2 बज जाता है डेली, हमारा ये टाइम है अभी, 2-3 दिन से ये रूटीन चल रहा है कि हम लोग 2 बजे से पहले नहीं सोते हैं, तो मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना है थोड़ा। एंड कल से हम लोग अर्शु को स्कूल भी भेज रहे हैं, तो उसका फर्स्ट डे है, तो आगे भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आते रहेंगे आपके पास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।